हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्येश फ्रॉम मानवटेक। तो आज हम एक फ्लावर पॉट बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्केच पे ओके, एक्स और वाई पे हमें स्केच बनाना है। स्केच कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ एक सर्कल ही बनाना है 150 mm का। ओके एंड फिनिश स्केच। अब हम उस पर शूट करेंगे 0 to 150 तक। यहाँ पे नॉन ड्राफ्ट में हमें एंगल देना है इस तरह से। यहाँ पे एंगल ऑप्शन होगा सिंगल, यहाँ पे एंगल होगा -15। इस तरह से बनाना है। देन यहाँ पे ओके, देन फिर से मैप शूट करेंगे। ये वाली लाइन हम सिलेक्ट करेंगे, ये होगी हमारी 30। यहाँ पे हमें यूनाइट करना है इसके साथ। यहाँ पे ड्राफ्ट देना है हमें -15 का। ऑफसेट रखना है हमें 5। यहाँ पे सिंगल साइडेड, यहाँ पे 5 एमएम का। यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं इस तरह से आएगा वो। देन यहाँ पे ओके, फिर से हमें एक्सट्रूड करना है लाइन को। यहाँ पे 0 to 10 यूनिट ही होगा ड्राफ्ट हमारा। यहाँ पे 15, ऑफसेट होगा हमारा 5 -5। बार की साइड में करना इस तरह से। देन फिर से हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, बार यहाँ पे हमें ड्राफ्ट वही रखना है। यहाँ पे ऑफसेट में हमें 20 -20। यहाँ पे यूनिट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से। ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे एक स्केच बनाना है के ऊपर। देखिए कहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर। ओके, मैं हम ये वाला लेंगे फ्रॉम सेंटर, रेक्टेंगल हम फ्रॉम सेंटर वाला लेंगे। यहाँ पे सीधी लाइन, ये डिस्टेंस होगा हमारा 25, ये डिस्टेंस होगा हमारा, तो कोई भी दे सकते हो आप। हमें इसको सब्सट्रैक्ट ही करना है। देन यहाँ पे फिनिश स्केच एक्सट्रूड में किसी कव को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें कनेक्टेड कव, ये कव सिलेक्ट करना है हमें। इस तरह से हमें सब्सट्रैक करना है। देन यहाँ पे ओके, ये सब्सट्रैक हो गया। देन यहाँ पे पैटर्न फीचर, पैटर्न फीचर में हमें यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो एक्सट्रूड है सिलेक्ट करना, ये हमारी सही ट्रिक है। इसी तरह से हमें कोई भी अगर पैटर्न करना है तो एक्सट्रूड किया हुआ तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी दिखाएगा आपको, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये प्रॉपर वे है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे सर्कुलर स्पेसिफाई वेक्टर में हम यहाँ नीचे वाला स्पेसिफाई पॉइंट में हमें कोई भी आर्क ले लेते हैं सेंटर में। यहाँ पे काउंट एंड पेन, यहाँ पे यहाँ पे हम टी लेंगे 360। देन ओके, इस तरह से बन जाएगा।
ओके देन यहाँ पे हमें फिर से स्केच बनाना होगा है इस प्लेन पर। एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे 5 डायमीटर का, तो मैं ज्योमेट्री कॉन्स्टेंट करूंगा, ये हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए तरह से। देन यहाँ पे ओके सर, टेंजेंट पॉइंट पर हमें 7 एमएम के डिस्टेंस पर चाहिए ये। देन क्लोज, यहाँ पे अब करेंगे हम फिनिश स्केच, फिर हम यहाँ पे शेल करेंगे, यहाँ पे रिमूव फेस देन शेल। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हो गए, शेल ऑल फेसेस, रिमूव फेसेस देन शेल। यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है, फेस हमारी ये होगी, यहाँ पे थिकनेस हमारी 4 mm होगी देन ओके। यहाँ पे हमें एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड में सब्सट्रैक्ट करना है सर्कल को, यहाँ पे होगी अंटिल एक्सटेंड में ये फेस होगी हमारी। देन यहाँ पे ओके, अब हमें इसको पैटर्न फीचर करना है इस एक्सट्रूड को, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वेक्टर होगा हमारा ये, स्पेसिफाई पॉइंट होगा हमारा ये सेंटर, यहाँ पे काउंट 6, यहाँ स्पेसिंग में काउंटेड स्पेन रखना है, एंगल हमारा 360 होगा देन ओके। ये बन गया हमारा फ्लावर पॉट, यहाँ पे मैं इसे फाइल कर देता हूँ। ओके देन यहाँ पे व्यू में जाके को देख लेते हैं इस तरह से। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय।